नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें, नशा तो हर घर पे पहुंचने की पूरी तैयारी में है, जो युवा पीढ़ी को अंदर ही अंदर खोखला तो कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी ताक पर लगा रहा है। और बताना चाहेंगे आपको, लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ते अन्य राज्यों में भी नशा पूरी तरह से घर कर रहा है, यानी दुश्मन ताकतें अब हमारे युवा पीढ़ी को कमज़ोर कर रहे हैं नशे में, नशे की आदि बनाकर। बड़ी खबर यह है, बताना चाहेंगे क्या एक आम नागरिक, क्या एक पूर्व मंत्री, अब उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है जो ड्रग का काम करते हैं, ड्रग में मुलव्वस है। बताना चाहेंगे एक्स मिनिस्टर जो कि हीरोइन के साथ पूर्व मंत्री के बेटे समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी अब नशा जो है हर एक के घर पे पहुंच रहा है। आखिर ये नशा आता कहाँ है? सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि किसी भी राज्य में, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, नशा ये आता कहाँ है? कौन लाता है नशों की खेप, और कौन है बड़े बड़े मगरमच्छ ड्रग पैडलर जो हमारी अपने चंद पैसों के लिए हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में तो डाल रहे, बल्कि उनकी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह के बेटे सहित 5 लोगों से 42.99 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को कहा कि पुलिस अधीक्षक SP संजीव कुमार गांधी ने कहा कि मंगलवार को पुलिस गश्ती दल ने पंचायत घर पुराने बस स्टैंड के पास एक होटल के एक कमरे में छापामारी के बाद ये गिरफ्तारियां की हैं, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी। उसी सूचना के आधार पर जब होटल रूम में उन्होंने छापेमारी की तो पूर्व मंत्री के बेटे के साथ 5 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी की पहचान पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह के बेटे प्रकाश सिंह, जिनकी उम्र 37 साल के रूप में हुई है। SP ने कहा कि बाकी 4 आरोपी, जिनमें से एक की उम्र 27 वर्ष है, दूसरे की उम्र 26 वर्ष है और तीसरे की उम्र 22 है, जो पंजाब के और किन्नौर जिले के अंबानी, एक की उम्र 19 साल है, के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ जाँच जारी है। इससे पहले प्रकाश सिंह को पंजाब के गुरदासपुर की में हीरोइन रखने और सेवन करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। यानी खुद अंदाज़ा लगाइए हमारे देश की युवा पीढ़ी को किस तरह से खोखला किया जा रहा है। हमारे युवा जो है वो इस नशे की नशे में ध्वस्त होते जा रहे हैं, अपने भविष्य को तार तार करने में, अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। यानी एक आम इंसान की बात तो नहीं करें, पर एक पूर्व मंत्री की अगर बात करें तो उनके बच्चे भी इस नशे से दूर नहीं है। यानी नशा करना और नशा, यानी बताया सेवन करना और बेचने के आरोप में पकड़ा गया और साफ तौर पर कहा गया, ये बताया जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये खबर बड़ी आ रही है कि एक होटल में जहाँ पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ पर नशे का काम चल रहा है या नशे सेवन कर रहे हैं, उसी के चलते जब पुलिस ने उस होटल कमरे में छापामारी की तो उसमें आपने बताया कि एक जो पूर्व मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के शिमला के पंजाब के पूर्व मंत्री और उनके बेटे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 42.99 ग्राम जो क्या हीरोइन बरामद की गई है। खुद अंदाज़ा लगाइए, आम इंसान की क्या बात करें, गरीब की बात करें, यहाँ पर हर कोई, हर किसी के बच्चे, युवा पीढ़ी जो है इस नशे में ध्वस्त होती जा रही है। खुद तो परेशानी में आते पर कहीं ना कहीं अपने माता पिता के नाम को भी बदनाम करते हैं। शायद माता पिता को खबर भी ना हो कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हम सब का सतर्क होना बड़ा ही ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार वार अगेंस्ट ड्रग्स और ऑपरेशन संजीवनी के तहत लगातार छापेमारी भी कर रही है। जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि साथ में जुड़ते पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो इसी तरह से हमारी युवा पीढ़ी भी नशे में जो यानी के बिल्कुल व्यस्त होती जा रही है, जिससे उनका भविष्य तो अंधकार में आता ही आता है पर उनकी जिंदगी को भी जिंदगी भी खतरे में आ रही है। तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये मत सोचिए आज किसी और का बच्चा तो कल ये बीमारी का ये गुण हमारे घर तक नहीं पहुँचेगा। जब तक इसे जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता तब तक ये किसी के घर में भी दस्तक दे सकता है। बच्चे हैं, बच्चों को पहले आदत डाली जाती है, उसके बाद उन्हें बेचा जाता, और उसी के चलते अगर बात करें यही युवा आने वाले समय में ड्रग बैडलर बन जाते हैं। तो हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ देना चाहिए,
ताकि आने वाले समय में समाज की युवा पीढ़ी को हम बचा सकें, बचाने में एक अहम योगदान निभा सकें। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि पूर्व मंत्री का बेटा समेत 5 लोगों को हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट हमने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।